नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, जितना जल्दी हो सके आप सभी अपना एक मजबूत लक्ष्य बना लीजिए। दोस्तों, यदि आप कमजोर हैं तो कोई भी समस्या नहीं, लेकिन दोस्तों यदि आप कमजोर बने रहने की आदत डाली है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है। आप अपने मन मस्तिष्क से यह निकाल फेंकिए कि हमें कमजोर बने रहना है। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके एक मजबूत लक्ष्य बना लीजिए और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए। दोस्तों, मंजिल जरूर आपको मिलेगा। दोस्तों, एनसीईआरटी शब्दावली के महत्वपूर्ण सीरीज में आज आर्थिक शब्दावली पर आपका जो टॉपिक है वह है खुली और बंद अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। दोस्तों, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में क्या अंतर है, आज मैं आपको इतने सरल तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करूंगा कि आपके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, यहां पर आप लोग एक बात जान लीजिए, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले आपको बता दें आयात और निर्यात में क्या अंतर है, बिल्कुल सिंपल तरीके से और सरल तरीके से क्लियर करते हैं आयात और निर्यात में क्या अंतर है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि क्या अंतर होता है। यहां पर दोस्तों, पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं कि ये आपका मान लो कि भारत है और ये विश्व है, मतलब कि विश्व के इसमें कई अन्य देश हैं। आयात का मतलब होता है दोस्तों खरीदना। आयात का मतलब क्या होता है? खरीदना। जब दोस्तों भारत विश्व के अन्य देशों से कोई भी वस्तु या माल क्या कर रहा है, खरीद रहा है अपने देश में बेचने के लिए, तो दोस्तों वह आपका आयात कहलाता है। राइट, विश्व के अन्य देशों से क्या कर रहा है, अपने घरेलू अर्थव्यवस्था में बेचने के लिए भारत ऐसा कार्य कर रहा है तो वो आयात कहलाएगा। निर्यात का मतलब बेचना। दोस्तों, ये भारत है, भारत में भी कई प्रकार के वस्तुएं उत्पादन होती हैं, होती है कि नहीं, तो जो उत्पादित वस्तु है उसको यदि हम विश्व के अन्य देशों में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो दोस्तों आपका निर्यात कहलाता है। क्लियर हो गया आयात और निर्यात में क्या अंतर है? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने एग्जांपल के साथ क्लियर कर दिया। अब यहां पर आगे आपको जब हम खुली और बंद अर्थव्यवस्था समझाना शुरू करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपके बीच आएगा, तो कम से कम आपको समझ में आ जाए। अब दोस्तों, यहां पर अंतर समझते हैं, खुली और बंद अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। खुली और बंद अर्थव्यवस्था में अंतर, राइट, तो दोस्तों यहां पर दो टर्मिनोलॉजी है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों, मैं इसको पहले एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगा, देन परिभाषा को निर्मित करूंगा। दोस्तों, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं खुली अर्थव्यवस्था को। ये आपका भारत है, ठीक है, और ये आपका विश्व के अन्य देश है, राइट। अब दोस्तों, भारत की इकोनॉमी
ओपन इकोनॉमी है वर्तमान समय में, अर्थात कि विश्व के अन्य देशों के साथ हम अपने इकोनॉमी को साझा कर सकते हैं। अब दोस्तों इस दौरान क्या होगा, हम निर्यात कर सकते हैं, हम आयात कर सकते हैं, एक दूसरे के देश निवेश कर सकते हैं और आर्थिक लेन देन हो सकता है, आर्थिक लेन देन। तो ये इस प्रकार का आयात निर्यात का व्यवसाय हो सकता है। मतलब कि दोस्तों जब कोई देश की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होती है, जैसे मान लो कि भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, तो इस दौरान वह देश विश्व के अन्य देशों के साथ क्या कर सकता है, निर्यात कर सकता है, आयात कर सकता है, निवेश कर सकते हैं। मतलब कि विश्व का कोई अन्य देश भारत में आकर निवेश कर सकता है या भारत के लोग विश्व के अन्य देशों में जाकर निवेश कर सकते हैं, प्लस आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया होगी। तो जो डिफरेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, आइए अब उसे जानते हैं। परिभाषा, वह अर्थव्यवस्था जिसमें विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त रूप से निवेश व्यापार और आर्थिक लेनदेन संपन्न हो, और साथ ही आयात निर्यात तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे साथियों, खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों के साथ, जैसे अमेरिका के साथ हो, रूस के साथ हो या और भी अन्य कंट्री, उनके साथ हमारा मुक्त रूप से क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, निवेश हो रहा है। विश्व के अन्य कंट्री भारत में आकर निवेश करते हैं, भारत के लोग जाकर अन्य देशों में निवेश कर रहे हैं, व्यापार हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, राइट। तो दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे, राइट। अब दोस्तों हम जानते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हैं और इसकी क्या कुछ समस्याएं भी हैं, तो उसके अब हम जानते हैं, राइट। अब दोस्तों हम पहले जानते हैं लाभ को, कि खुली अर्थव्यवस्था के आखिरकार लाभ क्या हैं और फिर उसके बाद समस्या को जानते हैं कि क्या समस्या है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक बात समझने की कोशिश करिएगा,
यहां पर एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि खुली अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा लाभ यह निकल के आता है कि हमें अन्य देशों से रॉ मटेरियल मिल सकते हैं, टेक्नोलॉजी मिल सकती है कि नहीं, उसका हमारे देश में लाभ होगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट लाभ में निकल कर आ रहा है देश की अर्थव्यवस्था को कच्चा माल, निवेश और तकनीकी प्राप्त होता है। क्लियर? मतलब कि इंडिया का अगर अमेरिका के साथ या रूस के साथ या फ्रांस के साथ अन्य देश का है, तो हमें रॉ मटेरियल हमें अन्य कंट्री आकर हमारे भारत में नहीं कर सकता है, का भी आदान प्रदान होता है, राइट? अब दोस्तों, साथ ही नए बाजारों की प्राप्त भी होती है। खुली अर्थव्यवस्था से हमें नए बाजार प्राप्त होते हैं, राइट? नए बाजार, ठीक है, हमें नए बाजार मिलते हैं। अब जैसे हमें अमेरिका का एक बाजार मिल गया, हमें रूस का एक बाजार मिल गया, तो ये एक नई मार्केट मिलती है। तो अगर हम समस्याओं को देखें, तो जब हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां आकर निवेश करेंगी, नए नए और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगी, तो जो इंडिया का घरेलू छोटे उद्योग हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो जिस वस्तु का निर्माण कर रहे हैं वो अपने पारंपरिक ढंग से कर रहे हैं, तो उसमें लागत ज़्यादा लगेगी और मूल्य जो है उसका ज़्यादा होगा। लेकिन वही कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी कंपनी आकर निवेश किया हमारे देश के अंदर और वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग किया, तो उसका जो मूल्य होगा वो कम होगा और लोग उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, उसको खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो इससे छोटे उद्योगों को बड़ी मात्रा में नुकसान होगा, राइट? तो समस्या में पहला क्या निकल के आया? घरेलू छोटे उद्योगों के समक्ष क्या होगी दोस्तों? चुनौतियां होंगी। अब दोस्तों, यदि यहां पर भारत और यहां पर विश्व, अब दोस्तों जब एक भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ एक व्यापारिक आदान प्रदान, निवेश, आर्थिक लेन देन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो क्या कल्चरल रूप से, सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान नहीं होगा? बिल्कुल आदान प्रदान होगा। तो दोस्तों, इससे एक सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे और साथ ही उपभोग के जो पैटर्न है वो चेंज होगा, राइट? अब देखिए आप लोग, हमारे इंडिया का जो कल्चर है उसमें विभिन्न प्रकार के पहनावे के ढंग है, खान पान के ढंग है, लेकिन जब हम विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़े तो खान पान का भी आदान प्रदान हुआ, अर्थात कि वहाँ के कुछ जो बेहतरीन चीज़ें होंगी वो हमारे देश के लोग खाना शुरू किए, वो पहनावे को अपनाना शुरू किए, राइट? तो वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या निकल के आया?
सांस्कृतिक परिवर्तन, उपभोग के पैटर्न, पैटर्न को प्रभावित। अब दोस्तों, जब भारत में आकर विश्व के अन्य देश के लोग निवेश कर रहे हैं, तो क्या भारत के लोग जाकर विश्व के अन्य देशों में निवेश नहीं करेंगे? तो इससे क्या होगा, हमारा जो पैसा है वो कहीं और इनपुट होगा। तो इससे दोस्तों निवेश के पलायन का जोखिम देखने को मिलेगा। निवेश के पलायन का जोखिम, क्लियर? तो ये आपका दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था हो गई, क्लियर? कोई किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत तो जरूर कमेंट करिएगा। बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से मैंने क्लियर किया। अब दोस्तों जानते हैं बंद अर्थव्यवस्था, कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो दोस्तों मान लो कि यह एक एक्स कंट्री है, ये एक्स देश है और ये विश्व, ठीक है? ये जो एक्स कंट्री है यह विश्व के अन्य देशों के साथ नहीं, निर्यात कर रहा है, नहीं आयात कर रहा है, न ही किसी भी प्रकार का निवेश और न ही आर्थिक लेन देन, न आर्थिक लेन देन। तो दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत तो जरूर बताइएगा। क्लियर हुआ? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है? परिभाषा, तो दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें दूसरे अन्य देशों के साथ जिसमें एक देश दूसरे अन्य देशों के साथ कोई आर्थिक या व्यापारिक आर्थिक या व्यापारिक लेन देन न हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को ही हम बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्लियर हुआ? ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था। आप देखिए बंद अर्थव्यवस्था के काफी करीब आपका उत्तरी कोरिया है। एग्जाम्पल में देखिए तो उत्तरी कोरिया बंद अर्थव्यवस्था के काफी करीब है मेरे प्रिय साथी, ठीक है? अभी मैं बता रहा हूं कुछ ही देर में। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई भी आर्थिक या व्यापारिक लेन देन न हो और साथ ही न ही आयात निर्यात, ठीक है? आयात निर्यात, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। न आयात निर्यात, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था।
अब तो इसके भी हम लाभ जान लें और इसकी क्या समस्याएं हैं उसको भी क्लियर कर लें, ठीक है। तो लाभ में अगर देखें, बंद अर्थव्यवस्था का लाभ क्या निकल के आएगा, तो जस्ट उसका उल्टा होगा खुली अर्थव्यवस्था का। और समस्या, तो दोस्तों लाभ में जो छोटे घरेलू उद्योग हैं उनको क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। पहला तो यही, छोटे घरेलू उद्योग को क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा छोटे घरेलू उद्योग को, अर्थात कि कोई कंपनी आपके यहां निवेश करने के लिए नहीं आएगी, जो छोटे घरेलू उद्योग हैं वो फलते फूलते रहेंगे, क्लियर। अब दोस्तों जो खुली अर्थव्यवस्था में निवेश के पलायन का डर था, वो यहां पर निवेश का पलायन रुकेगा, निवेश का पलायन क्या होगा, रुकेगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार के अवांछित परिवर्तन से देश की रक्षा होगी, अवांछित परिवर्तन से देश की रक्षा होगी। मतलब कि मेरे प्रिय साथी, कोई भी कंट्री आपके यहां आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई भी किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये अवांछित परिवर्तन से देश की क्या होगी, रक्षा होगी। तो बंद अर्थव्यवस्था के भी अपने लाभ हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैंने 3 पॉइंट दिया, जो छोटे घरेलू उद्योग हैं उनको संरक्षण मिलेगा, वो फलेंगे फूलेंगे क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी यहाँ पर निवेश करने के लिए नहीं आएगी, निवेश का पलायन रुकेगा और साथ ही अवांछित परिवर्तन से देश की रक्षा होगी। ये बंद अर्थव्यवस्था के लाभ हैं। लेकिन दोस्तों समस्या क्या है, तो नवीन प्रौद्योगिकी से वंचित हो जाएगा वो कंट्री, नवीन प्रौद्योगिकी से वंचित हो जाएगा, प्रौद्योगिकी नए टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, ठीक है। और रॉ मटेरियल प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, उत्पादन के जो कच्चे माल हैं उनकी आपूर्ति की समस्या होगी, उत्पादन के कच्चे माल के आपूर्ति की समस्या होगी, आपूर्ति की समस्या बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। और साथ ही दोस्तों वित्त का अभाव होगा, क्योंकि निवेश होगा नहीं, तो वित्त का अभाव की भी यहां पर समस्याएं देखने को मिलेगा। तो ये बंद अर्थव्यवस्था के लाभ थे और समस्या थी। अब दोस्तों यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें बिल्कुल ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको काफी, जब भी आप पुस्तक पढ़ेंगे गुजरेगा तुरंत मस्तिष्क में एक फ्रेगा कि विपेश सर ने ऐसे क्लियर किया है और अब हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अब देखिए मैं यहां पर एक आरेख बना रहा हूं, यहां पर मैंने लिख दिया पूर्ण बंद अर्थव्यवस्था और यहां पर लिख दिया पूर्ण खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। मेरे प्रिय साथी, अगर आप उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था को देखें तो वो लगभग लगभग पूर्ण रूप से बंद अर्थव्यवस्था है,
लेकिन हम किसी भी कंट्री को पूर्ण रूप से बंद अर्थव्यवस्था आज के टाइम पे नहीं कह सकते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया का ही देखिए, रूस और चाइना से उसका अपना व्यापार चलता है, लेकिन ये जो उत्तरी कोरिया है वह पूर्ण रूप से बंद अर्थव्यवस्था के करीब है। कौन? उत्तरी कोरिया, राइट, नॉर्थ कोरिया। ओके, अब दोस्तों यहां पर आगे, यहां पर देखिए पूर्ण रूप से खुली अर्थव्यवस्था भी नहीं हो सकती आज के टाइम, लेकिन उसके करीब अगर आप देखें तो जापान, दक्षिण कोरिया, ये पूर्ण रूप से खुली अर्थव्यवस्था है। क्योंकि हो सकता है कि किसी अन्य कंट्री के निवेश से हो सकता है किसी भी प्रकार का उनके घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़े, तो वो ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखें 1947 में, तो भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में एक बंद अर्थव्यवस्था के काफी नजदीक था, बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन दोस्तों यदि आप 2024 मतलब आज के टाइम में देखेंगे 1991 के बाद, तो भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों एक खुली अर्थव्यवस्था के करीब हो गया। पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई प्रकार के संरक्षणवादी नीति चलते हैं, लेकिन ऐसा फ्रेम बन रहा है। तो दोस्तों यहां पर आज मैं आप लोगों को बहुत ही सरलतम तरीके से जो आपका खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था था उसके जितने भी अंतर थे मैंने बहुत सरल तरीके से क्लियर किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे आप जरूर जितना ज़्यादा हो सके मेरे प्रिय साथी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराने में हेल्प करें। मुझे, मेरा जो ताकत है वो मेरा स्टूडेंट है। मुझे पता है कि मैं अगर मेहनत से पूरे जी जान लगाकर अच्छे गुणवत्ता के साथ आपको कुछ दे रहा हूं तो आप भी बदले में मुझे देंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी ऐसा जरूर करेंगे। और दोस्तों यदि आप प्ले स्टोर पर जाकर क्रैकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।